हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत की दाग बेल यूं तो 933 हिजरी बामुताबिक 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों डाली जा चुकी थी, लेकिन बाबर और हुमायूं के अहद हुकूमत तक मुगलिया हुकूमत बर्रे सगीर में कोई ख़ास इस्तेहकाम हासिल ना कर सकी थी। यहाँ तक कि हुमायूं के मरते ही वो तमाम इलाके भी बागी हो गए जिनको हुमायूं ने दोबारा फतह किया था। हकीकत यह है कि हुमायूं के ज़माना हयात तक मुगलिया हुकूमत हिंदुस्तान में मुस्तहकम ना थी। यही वजह है कि हुमायूं के मरते ही इस कमज़ोर हुकूमत का संभलना नामुमकिन सा हो गया था। हुमायूं के मरने के 17 दिन बाद अकबर का अतालीक बैरम खान अकबर को पंजाब ले गया और वहां उसे तख्त नशीन कर दिया। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तख्त नशीनी की रस्म बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। अकबर जिस वक़्त तख्त नशीन हुआ तो इसकी उम्र सिर्फ 13 बरस और 9 महीने की थी। इस कम उम्री के बावजूद भी अकबर बेहद ज़हीन और होशमंद था। अकबर चूँकि नौ उम्र था इसलिए तमाम माली और मुल्की मामलात का अहतमाम बैरम खान के हाथ में आ गया। हुमायूं ने मरने से सिर्फ चंद रोज़ कबल ही बैरम खान को अकबर का अतालीक मुकर्रर किया था। बैरम खान हुमायूं का बहुत पुराना और मुखलस साथी था जिसने के हुमायूं का नाजक तरीन हालात में भी साथ दिया था और बड़े बड़े कारहाए नमाया सर अंजाम दिए थे। ये हकीकत है कि अगर अकबर को बैरम खान जैसा लायक मुआमन ना मिल गया होता तो शायद मुग़लों को इस बर्रे सगीर में वो अरूज बहुत ही मुश्किल से हासिल होता जिसकी दास्तानों से आज तारीख रंगी हुई है। हुमायूं की मौत और अकबर की तख्त नशीनी के फौरन ही बाद अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में एक साथ बगावतें उठ खड़ी हुईं। बागी समझते थे कि अकबर ना समझ लड़का है, वो क्या मुकाबला कर सकेगा। इसलिए यही मौका है कि हुमायूं और इसकी औलाद के इक्तदार को ख़त्म कर देने के बाद अपने लिए रास्ता साफ कर लिया जाए। चनाचे मिर्ज़ा सुलेमान हाकम बदखशां ने बदखशां में ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और काबल का मुहासिरा कर लिया। मगर काबल और गजनी के हाकम मुअन्नम खान ने मिर्ज़ा सुलेमान का मुकाबला करने के बाद मिर्ज़ा को सुलह के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह ये फितना ज़्यादा नहीं उभर सका। दूसरी तरफ हाकम पंजाब शाह अबू मुआली हुसैन ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और हाजी खान जो शेर खान के गुलामों में से था उसने हमला करके नारनौल का मुहासरा कर लिया। लेकिन अकबर को सबसे ज़्यादा ख़तरा सिकंदर शाह सूरी का था जो कोहिस्तान सवालक से निकलकर बार बार पंजाब में तूफान बरपा कर चुका था। अकबर वहाँ से लश्कर लेकर सिकंदर शाह की सरकोबी के लिए सवालक की तरफ गया और वहाँ से जलंधर जा पहुँचा। जलंधर आने पर बादशाह को इत्तला मिली कि हुमायूं बकाल ने आगरा और दिल्ली में मुगलिया फौज को शिकस्त देने के बाद इन दोनों अहम शहरों पर कब्ज़ा जमा लिया है। हेमू बकाल सल्तनत सूर के आखिरी हुक्मरान अहमद शाह आदल का वज़ीर आज़म और सिपा सालार था। ये इब्तदा में शेर शाह सूरी के लश्कर में नमक बेचा करता था, इसके बाद तरक्की करते करते इस दर्जे तक पहुंच गया। ये बड़ा दलेर और होशमंद था। हेमू बकाल ने अहमद शाह आदल के तकरीबन तमाम मुखालफों को शिकस्त देकर ख़त्म कर दिया था। इन मारकों से फारग होने के बाद हेमू बकाल मुग़लों के मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। उसे इत्तला मिली कि हुमायूं मर गया है। इस खबर ने उसके हौसले को और ज़्यादा बढ़ा दिया और वो फौरन 1000 हाथी और 50,000 सवार लेकर आगरा की जानब बढ़ा। मुग़ल सरदार सिकंदर खान इसके मुकाबले की ताब ना लाकर शहर छोड़कर दिल्ली भाग गया। हेमू बकाल इसका तअक्कुब करता हुआ दिल्ली आ गया और यहाँ इसका मुकाबला तरदी बेग से हुआ। तरदी बेग को शिकस्त हो गई और वो पंजाब की तरफ फरार हो गया। हेमू बकाल ने दिल्ली पर कब्ज़ा जमाने के बाद अपना लकब राजा बकर मानजीत इख्तियार किया। इसके बाद हेमू बकाल मुग़लों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए पंजाब की तरफ आगे बढ़ा। आगरा और दिल्ली में हेमू बकाल के मुकाबले पर पे दर पे शिकस्तें खाने के बाद अकबर के उमराए सल्तनत ऐसे घबराए कि वो हिंदुस्तान से काबुल भागने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार हो गए।
अकबर को उसके उमराए सल्तनत ने मशवरा दिया कि इस गैर मुल्क में हाथियों से अपने आप को कुचलवाने से बेहतर है कि हम मिलकर काबुल चलें और वहां से नया लश्कर लाकर दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा जमा लें। लेकिन बैरम खान ने उमराए सल्तनत के इस मशवरे की शदीद मुखालफत करते हुए कहा, बादशाह तो अभी बच्चा है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमारे मुंह पर शिकस्त की स्याही लग जाएगी। हमारी गैरत का ये तकाजा है, या तो मर जाएं या फतह हासिल करें। अकबर ने बैरम खान की तायीद करते हुए कहा कि खान बाबा जो कुछ कह रहे हैं वही दुरुस्त है, हम लड़ेंगे मरेंगे मगर हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएंगे। नौ उमर बादशाह के इस हिम्मत और फैसले के बाद उमराए सल्तनत में भी कुछ गैरत पैदा हुई और वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। हेमू बकाल को जब मालूम हुआ कि अकबर सरहिंद में है तो उसने पानीपत से अपना तोपखाना सरहिंद के लिए रवाना किया। अकबर भी सरहिंद से रवाना होकर पानीपत की तरफ चल दिया। अली कुली शैबानी को 10,000 सवार देकर अकबर ने पहले ही पानीपत की तरफ रवाना कर दिया था। शैबानी ने पानीपत के करीब हेमू बकाल के तोपखाने पर अचानक हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान अकबर भी बाकी फौज के साथ पानीपत पहुंच गया। मुगलों के लश्कर में बमुश्किल 20 से 25,000 सवार थे और हेमू बकाल के लश्कर में 1,000 हाथी और 50,000 सवार थे। बाद मुअर्रिखों का ये कहना है कि हेमू बकाल के पास 1,00,000 से कम सवार नहीं थे। गरज के इन दोनों लश्करों का 10 मुहर्रम 964 हिजरी बामुताबिक 1556 ईस्वी में सख्त मुकाबला हुआ। हेमू बकाल के साथ पठानों के अलावा राजपूतों की भी एक बहुत बड़ी जमात थी, जिन्होंने ऐसी मर्दानगी के साथ मुगलों का मुकाबला किया कि मुगलों में घबराहट पैदा हो गई। मुगलों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनके घोड़े हाथियों से डर डर कर भागने लगे थे। आखिर मुगल घोड़ों से उतर पड़े और उन्होंने पापयादा होकर पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हेमू बकाल के लश्कर को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। हेमू बकाल बदस्तूर हाथी पर बैठा हुआ जंग में मसरूफ रहा, लेकिन एक तीर हेमू की आँख में ऐसा लगा कि वो गद्दी पार निकल गया। इस तीर का लगना था कि हेमू बकाल को शिकस्त हो गई। हेमू को गिरफ्तार करके अकबर के सामने लाया गया तो बैरम खान ने इसको कत्ल करने का मशवरा देते हुए कहा, इस काफर को कत्ल कीजिए ताकि आप गाजी कहलाएं और सवाबे अजीम हासिल कर सकें। लेकिन अकबर ने जवाब दिया कि इस नीम मुर्दा कैदी को मारकर ना हम गाजी बन सकते हैं और ना ही कोई सवाब हासिल कर सकते हैं। बादशाह के इस जवाब के बावजूद बैरम खान ने एक ही हाथ में उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह अकबर को वो तारीखी फतह हासिल हो गई जिसके बाद हिंदुस्तान में हकूमत मुगलिया का एक नया दौर शुरू हुआ। ये अजीब इत्तफाक है कि अकबर के दादा बाबर की हकूमत भी पानीपत के मैदान में फतह हासिल करने के बाद कायम हुई थी और अकबर की हकूमत का भी दौर इसी पानीपत के मैदान में फतह हासिल करने के बाद शुरू हुआ। पानीपत की फतह के दूसरे दिन अकबर फातिहाना शान के साथ दिल्ली के इस तारीखी शहर में दाखिल हुआ जहां 30 बरस पहले उसका दादा बाबर भी इसी तरह दाखिल हुआ था। शहर के बाशिंदों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ अकबर का इस्तकबाल किया। अकबर के दिल्ली में कदम रखते ही आगरा तो पहले ही फतह हो चुका था। अब खान जमान खान ने अहमद शाह आदल के उमारा को शिकस्त देने के बाद संभल से लेकर लखनऊ तक और आला आबाद से लेकर जौनपुर तक का इलाका फतह कर लिया। इस तरह पेशावर, पंजाब, दिल्ली और आगरा के बाद ओद का इलाका भी मुगलिया हकूमत में शामिल हो गया। 966 हिजरी बामुताबिक 1558 ईस्वी में अकबर को आगरा में इत्तला मिली कि अफगानों की एक कौम जो मियाना कहलाई जाती है उसने सरौंज में फितना बरपा कर दिया है। इस इत्तला के पाते ही फौरन अफगानों की सरकोबी के लिए लश्कर रवाना किया गया और सरौंज का इलाका फतह हो गया। बैरम खान के कत्ल के बाद अकबर ने इख्तियारात संभालने के बाद सबसे पहले किला ग्वालियर की जानब तवज्जा की। यह किला नाकाबले तस्खीर समझा जाता था।
यूं तो किला मानकोट की फतह के बाद ही इस किले को फतह करने की मुहिम शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक ये किला फतह नहीं हुआ था। अकबर ने 1569 ईस्वी में हबीब अली खान, मुराद अली सुल्तान और एक पूरी जमीयत को ग्वालियर रवाना कर दिया था ताकि वो इस किले को फतह करने में कबा खान की मदद करें। कबा खान ने कई महीने से किला ग्वालियर का मुहासरा कर रखा था। बेल खान, जिसने ग्वालियर किले पर कब्जा जमा रखा था, नई जमीयत के आने से बेहद परेशान हुआ। आखिर उसने किले की कुंजियां उमराए सल्तनत के हवाले कर दीं और इताद कबूल करने के बाद बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। किला ग्वालियर की फतह अकबर की पहली फतह थी और इस फतह का सारी ममलकत पर बहुत अच्छा असर पड़ा। ग्वालियर के बाद अकबर मालवा की फतह की जानब मुतवज्जे हुआ। मालवा पर बाज बहादुर का कब्जा था। बाज बहादुर शजात खान का बेटा था। शेरशाह सूरी ने अपने अहदे हकूमत में मालवा की हकूमत शजा खान के सुपुर्द कर दी थी। शजा खान के मरने के बाद इसका बेटा बाज बहादुर जानशीन हुआ। बाज बहादुर नहायत ही अयाश नौजवान था। मालवा की रियाया ने बाज बहादुर के इस अमाल से तंग आकर अकबर से फरियाद की कि अकबर फौरन मालवा की फतह के लिए लश्कर रवाना करे। अकबर ने एक लश्कर ऊधम खान की सरकर्दगी में मालवा पर हमले के लिए भेजा। अकबर के इब्तदाई दौरे हुकूमत में ओध और बिहार का सारा इलाका शोरश पसंदों से भरा पड़ा था। इसकी वजह यह थी कि शेरशाह सूरी के दौरे हुकूमत से लेकर हमायूं की आमद तक ओध और बिहार के इलाके ही पठानों की सरगर्मियों का मरकज बने रहे थे। चिनाचे हेमू बकाल का वो फितना जिसने मुगलिया हुकूमत को कायम होते होते उखाड़ फेंका था, इस खतरनाक इलाके से उठा था। अकबर नहायत ही दूर अंदेश हुक्मरान था। उसने ये समझ लिया था कि जब तक बिहार और ओध पर पूरी तरह तसल्लत नहीं होगा, इस वक्त तक मुगलिया हुकूमत की मुश्किलात का खात्मा नामुमकिन है। इसीलिए उसने इब्तदा ही से ओध की जानब खास तौर पर तवज्जा करनी शुरू कर दी। यूं तो संभल से लेकर लखनऊ तक और आला आबाद से लेकर जौनपुर तक का इलाका सल्तनत मुगलिया में शामिल हो चुका था, लेकिन बैरम खान के झगड़े ने इस इलाके के अफगानों में नए सिरे से शोरश पैदा कर दी थी। चिनाचे उन्होंने खानदान सूर के आखिरी बादशाह आदल के बेटे को अपना सरदार बनाया और उसे शेर खान का खिताब दिया। गोया उन्होंने हिंदुस्तान में नए सिरे से पठान हुकूमत के कयाम की तैयारियां शुरू कर दीं और खान जमां पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का नतीजा ये हुआ कि खान जमां अपने लश्कर लेकर मैदान में आ गया और पठानों और मुगलों में फिर एक बार फैसला कुन जंग छिड़ गई। इन जंगों में मुगलों को फतह हुई और खान जमां को बेअंदाज खजाना और हाथी और घोड़े मिले। अगरचा अकबर से कबल मुसलमान बादशाह सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत कर चुके थे, लेकिन इनमें से किसी एक बादशाह की भी ये जुर्रत ना हुई थी कि वो उड़ीसा को तस्खीर कर सके। इसकी वजह ये थी कि उड़ीसा का इलाका खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिनसे गुजरकर इस इलाके को फतह करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बिहार और बंगाल के अक्सर बागी भागकर उड़ीसा चले जाते थे और इस इलाके की खराबी की वजह से कोई भी इनका तअक्कब नहीं करता था। चिनाचे इब्राहिम सूर ने भी बंगाल से भागकर इसी इलाके में पनाह ली थी और बंगाल का हाकम सुलेमान कर्रानी इसका कुछ भी ना बिगाड़ सका। अकबर पहला बादशाह था जिसने इस दुश्वार गुजार इलाके को फतह करने की जानब तवज्जो दी। अकबर ने इस इलाके में यूरश करने से कबल हसन खान और एक रकासा जिसका नाम महापात्र था और जो मौसीकी और शायरी में बेमिसल थी, इस मुल्क के राजा मकंद के पास बतौर कासद भेजा। उन्होंने राजा को मशवरा दिया कि वो लड़े बगैर अकबर की अतात कबूल कर ले। राजा ने इन दोनों की बड़ी ताजीम की और अतात कबूल करने के बाद बहुत से तहाइफ अकबर को भेजे और ये कहलवा भेजा कि हर वक्त बादशाह के लिए खून बहाने के लिए तैयार हूँ। अकबर को राजा मकंद वालिये उड़ीसा की इताअत कबूल करने से बेहद खुशी हुई।
और इस तरह बगैर लड़े उड़ीसा का दूर दराज तक का इलाका 1564 ईस्वी में हकूमत मुगलिया में शामिल हो गया। अकबर अपने लश्कर के हमरा मालवा की तरफ जा रहा था। इस सफ़र में राणा उदय सिंह का बेटा सगत सिंह भी बादशाह के हमरा था। बादशाह ने सगत सिंह से कहा, हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम बड़े बड़े राजे और महराजे हमारी खिदमत में आ चुके हैं, लेकिन राणा उदय सिंह हमारी कदम बोसी के लिए हाजिर नहीं हुआ, ये क्या बात है? इसके बाद अकबर ने मजाक के तौर पर सगत सिंह से पूछा, अगर हम राणा पर हमला करें तो तुम हमारी क्या खिदमत करोगे? सगत सिंह खामोश हो गया, लेकिन ऐसा खौफ ज़दा हुआ कि चंद रोज़ के अंदर अंदर अचानक अकबर के पास से भाग गया। सगत सिंह के फरार होने के बाद, क्योंकि अकबर को ये यकीन हो गया था कि राणा उदय सिंह कोई शरारत करना चाहता है, इसलिए वो चित्तौड़ की फतह के लिए आगरा से रवाना हो गया। अकबर ने किला चित्तौड़ के सामने डेरे डाल दिए और पूरी तैयारी के बाद किले की तस्खीर में मसरूफ हो गया। अकबर ने फौज के एक हिस्से को तो गिर्दोनवा का इलाका फतह करने के लिए भेज दिया, ताकि वो कुर्बो जवार के बागी राजपूतों का सफाया कर दे, और बकिया फौज किले की तस्खीर पर मुतय्यन कर दी। अकबर ने इस किले को फतह करने के लिए बड़े ही एहतमाम किए थे। किले के गिर्द अपने आदमियों की हिफाजत के लिए एक नई फसील तामीर करवाई। इसके बाद उसने किले की बुनियादों को खुदवा कर इसमें किले को उड़ाने के लिए जा बजा बारूद भरवा दिया। गरज ये कि इस किले को फतह करने के लिए अकबर ने ऐसा एहतमाम किया जो इससे कबल किसी ने नहीं किया था। इन इंतजामात से फारग होने के बाद पूरी ताकत के साथ मुगल फौज ने हमले शुरू कर दिए। किले के बाद हिस्सों को बारूद से उड़ा दिया गया और जदीद तामीर शुदा सीढ़ियों और ढलवानों के रास्ते से शाही लश्कर के सिपाही इस किले में उतरने शुरू हो गए। राजपूतों ने सबसे पहले तो चीता तैयार करके इसमें अपनी औरतों को झोंक दिया। इसके बाद शाही फौज पर टूट पड़े और बहादुरी के साथ लड़े। राणा के महल पर और महादेव के मंदिर पर बड़ी खूनरेजी हुई। किले के हर मोहल्ले और हर गोशे पर सख्त जंग करनी पड़ी। राजपूत बड़ी दिलेरी के साथ इस किले के एक एक इंच के लिए लड़े। गरज ये कि बड़ी ही दुश्वारी और मेहनत के बाद 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। अकबर जब चित्तौड़ के किले की फतह के लिए रवाना हुआ था, तो उसने ये मन्नत मानी थी कि अगर मुझको ये फतह नसीब हुई तो मैं पापयादा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए अजमेर जाऊँगा। चनाचे इस फतह के बाद अकबर पापयादा दरगाह शरीफ पहुँचा और हाज़री के बाद 10 रोज़ तक अजमेर ही में रहा, और इसके बाद शिकार खेलता हुआ आगरा वापस आ गया। 1577 ईस्वी में अकबर की फतोहात की ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी धूम मची हुई थी। यहाँ तक कि 1595 ईस्वी तक फतह कश्मीर के बाद मुग़ल फौजें तिब्बत में दाखिल हो गईं और रास्ते की खराबी की वजह से इनको वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ मुग़ल लश्कर जो दक्कन की फतह के लिए 1592 में दक्कन में दाखिल हुआ था, तकरीबन 9 साल तक दक्कन की फतोहात में मशगूल रहने के बाद 1602 ईस्वी में फारग हुआ। इन फतोहात के बाद काबुल, कंधार और कश्मीर से लेकर दक्कन तक और सिंध और गुजरात से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक मुग़लों की हुकूमत कायम होगी। ये इतनी बड़ी हुकूमत थी कि इससे कबल हिंदुस्तान के किसी बादशाह को भी मयसर ना हुई थी।